स्त्री का सौंदर्य और पुरुष की ताकत। इससे पहले कि यह हमेशा के लिए शांत हो जाए, इस महाशक्ति को समझो। तुम दुनिया में जो भी करते हो, जो भी करते हो, प्रेम कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पढ़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, लड़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पूजा कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, जो पॉजिटिव माइंड है वो क्या सोचता है कि बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, इन सब का संबंध इससे है। तुम जीवन में कुछ भी करो, प्रेम, पढ़ाई, कुछ भी, कोई ऐसी चीज बताओ जहां मन की भूमिका ना हो। तो जब जीवन के सारे पक्षों में मन की भूमिका है, जब जीवन के सारे कर्म में मन की भूमिका है, तो हम इस पर ध्यान क्यों ना दें? लड़के, वहां राजेंद्र नगर में एक बार मैं शेव कराने चला गया, दिल्ली में राजेंद्र नगर मार्केट, तो मैं शेयर में बैठा, मेरे बगल में भाई साहब, तो पता नहीं क्या वाइट लगा के बैठे हुए थे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, मैंने गुड आफ्टरनून, कौन सर? मैं B6 में हूँ सर। मैंने कहा अच्छा, ये क्या कर रहे हो? कहा सर वो क्या बोलते हैं उसको, फेशियल। मैंने कौन सी फेशियल करा रहा भाई? क्या सर, आलमंड फेशियल करा रहा हूँ, आलमंड। मैंने कहा अच्छा, शेव बनवाया मैंने, मैं आया उसके पास। मैंने कब से तैयारी कर रहे हो? कहा अभी तो सर 3 साल हुए। मैंने कहा 30 और लगेंगे। एलमंड खाने की चीज है, नालायक। स्त्री का सौंदर्य और पुरुष की ताकत। फेशियल करा रहे, शादी होने जा रही? नहीं नहीं सर। तब मृत्यु क्या है? मृत्यु मन का हमेशा के लिए शांत हो जाना। डेड बॉडी के कान में जाके कह दो, भैया तुम्हारा 2 करोड़ रुपया लूट ले गए, पड़ी हुई। भैया तुम्हारी गाय ले गए, भैया वो दुबे जी तुमको गाली दे रहे हैं, पड़ा हुआ है। इससे पहले कि ये हमेशा के लिए शांत हो जाए, इस महाशक्ति को समझो। पहले समझो फिर ध्यान करो। पहले समझो, पहले इसको वॉच करो, देखो। बैठे हो जुकाम आ गया, छींक आ गई, उसे कोरोना हो गया। मैं ऐसे भी तो जुकाम आ सकता है, हमेशा कोरोना में ही छींक आती है। आज कोरोना खतरनाक नहीं बना, ये प्राचीन भारत क्यों महान था? ये लोग, ये आजाद शत्रु अशोक बिंबसार जैसे लोग खड़े हो जाते थे संतों के सामने, ये मन को जीते हुए लोग थे। 90% लोगों की जब मैं काउंसलिंग करता हूं, वो सिर्फ इसलिए परेशान है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा, हंसेंगे लोग, और ऐसा होगा और ये होगा। और अरे यार, तुम इतना जान लो, तुम जीतोगे। तुम अगर जीते तो सबके रिश्तेदार, सबके
किसी के जाति के आधार पर बन जाओगे रिश्तेदार, किसी के गांव के आधार पर जाति नहीं होगी तो अब तुम आईएस हो गए, तुम आईएस हो गए। और तुम यादव हो तो तुम्हारे गांव के जो ब्राह्मण है ना वो भी कहेंगे यार रिलेटिव है हमारे गांव के हैं। और अगर तुम हारे, सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर, और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुम अगर दिन के लिए तैयार हो तो तुम्हें रात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते मुझे रात नहीं चाहिए, तुम्हारे चाहने से थोड़ी होगा, वो तो नेचर का नियम है। हम तो चाहते हैं भैया कभी ठंडक ही ना आए, मैं तुम्हारे चाहने से दुनिया चलेगी, वो तो नेचर है। हर चीज में खुश रहो, पॉजिटिविटी देखो। एक महिला जो है अपने पड़ोस में मिठाई का डिब्बा ले गई, कही बहन जी मिठाई, बोली मुझे भगवान में पूरा भरोसा था और अब तो भरोसा इतना प्रगाढ़ हो गया कि मैं क्या बताऊं। तो उस पड़ोसन ने कहा कि क्यों बहन जी ऐसा क्या हो गया, बोले मेरे बेटे के स्कूल के सारे टीचर कहते थे कि तू कभी पास ही नहीं हो पाएगा, हाई स्कूल में है मेरा बेटा और वो बिना परीक्षा दिए पास हो गया। यह है पॉजिटिविटी। इसको तुम अपनी डायरी में कहीं लिख लो, 6 महीना लगेगा सर, इसको तुम इस शब्द को अपनी डायरी में कहीं लिख लो, 6 महीना लगे, घबराना मत, मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम मत करना, इंपेशेंट मत होना, डरना मत। लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे कि ये सुबह सुबह सांस अंदर बाहर करते हैं, बड़े सारे हमारे मित्र हैं चाहने वाले हैं, तौल तौल के गाली लिखते हैं मुझे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, क्या फर्क पड़ता है सर, इनकी हिम्मत है जो मुझे डराएंगे। सोने की खदान से सोना निकलेगा और गोबर की ढेर से, तुम गोबर की ढेर से सोना थोड़ी निकलेगा सर, तुम्हारे जो अंदर है जिससे तुम बने हो तुमसे वही बाहर निकलेगा। हमसे बहुत लोग कहते हैं सर वो ऐसा कहने दो यार, पंडित आएगा, पुरोहित आएगा, मौलाना आएगा, पड़ोसी आएगा, दोस्त आएगा, रिश्तेदार आएगा, इतने सारे लोग बधाई देने आएंगे, इसमें एक और भी आएगा, उसके बिना तो बधाई ही अधूरी है सर। ये मैं निगेटिव टर्म में नहीं कह रहा हूं, मैं बधाई के टर्म में कह रहा हूं, इसको निगेटिव की, और आप तो हिजड़ों को निगेटिव टर्म में ले रहे, नहीं नहीं मैं तो बड़े पॉजिटिव टर्म में ले रहा हूं। खुद को समझो, खुद को समझो और खुद को जीतो, पूरी दुनिया तुम्हारी है। छह महीने लगेंगे, घबराना मत, गारंटी लेता हूं तुम 6 महीने अपने ऊपर काम करके देख लो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदले। लेकिन उतना धैर्य लोगों के पास नहीं है ना, कुछ लोग 5 दिन करते, 10 दिन करते, कहते हैं 10 दिन किए कुछ चेंज ही नहीं दिखाई पड़ा, 20 साल से ताश खेल रहे हो, 10 दिन में ताश छूट जाएगी। आज ये मुद्दा बड़ा आवश्यक था, बड़े सारे मित्रों ने हमारे हमसे कहा था कि कुछ ऐसा बताएं जिस पर हम काम करें, और अगर आप योद्धा हैं तो पहले खुद को जीतिए। बड़े सारे क्रिमिनल से जिनसे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन जब उनका एनकाउंटर की बारी आती है पकड़ लेते हैं पैर पुलिस वालों का, अंकल जी अब नहीं करेंगे, अब कंट्री छोड़ के आप कहां जाओगे, अब तो पहले दगोगे फिर कहां जाओगे। दूसरे को जीतना बहुत आसान है सर, खुद को जीतना, और खुद को जीतने से दुनिया को जीतने की
राह शुरू होती है जहन्नम।